तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 वर्स्ट ट्रैक टू मैच कार्ड्स यूज्ड इन आईपीएल हिस्ट्री। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, डेविड मिलर। डेविड मिलर करेंटली T20 में बेस्ट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं और 2000 सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जहाँ उन्होंने मोहाली में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 45 गेंदों में 101 रन बनाए थे और अकेले दम पर एक गेम जिताया था। उस सीजन के बाद से किंग्स इलेवन पंजाब ने उन पर बहुत विश्वास दिखाया क्योंकि उन्होंने उन्हें रिटेन रखा और 2018 तक उन्हें कभी भी नीलामी का हिस्सा नहीं बनने दिया था। उस समय किंग्स इलेवन पंजाब के लिए एक ऑब्वियस चॉइस थी। किंग्स इलेवन पंजाब ने किलर मिलर पर अपने आईटीएम कार्डों में से एक का उपयोग किया और उन्हें 3 करोड़ रुपए में खरीदा। उन पर मैनेजमेंट के विश्वास को दिखाते हुए कोई भी टीम बेहद महत्वपूर्ण फिनिशर की भूमिका निभाने और फ्रेंचाइजी में आने वाले नए खिलाड़ियों की संख्या के कारण लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए था, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले और उन्हें जो मौके मिले उसमें उन्होंने उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। डेविड मिलर ने 2018 के सीजन में 3 मैचों में केवल 74 रन बनाए और 2019 के सीजन में 10 मैचों में 213 रन बनाए, जो टीम के लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई और अपने आईटीएम कार्ड को वह सही ठहराने में कामयाब नहीं हुए। नंबर 4, दीपक हुड्डा, सनराइजर्स हैदराबाद। दीपक हुड्डा एक एक्सट्रीमली यूजफुल क्रिकेटर हैं। वह मैच को फिनिश कर सकते हैं और वह एक गन फील्डर हैं और ऑफ स्पिन के एक या दो ओवर में गेंदबाजी भी कर सकते हैं। एक खिलाड़ी में ये सभी स्किल भारतीय सर्किट में रेयर हैं। उन्होंने 2014 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था और 2015 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वहां पर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें मुंबई के बैकबोन स्टेडियम में अपनी अगली टीम आरसीबी के खिलाफ अपना पहला आईपीएल हाफ सेंचुरी भी लगाई। इस प्रकार इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि वह 2016 के आईपीएल में बड़ी रकम के लिए गए थे। हैदराबाद ने उन्हें 4,20,00,000 रुपए की भारी राशि में खरीदा। हुड्डा ने 2016 और 2017 में 27 मैच खेले और 13.06 के एवरेज से सिर्फ 222 रन ही बना सके। भले ही वह फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी हैदराबाद ने उन पर विश्वास किया और उनके राइट टू मैच कार्डो में से एक का उपयोग किया और उन्हें 3,60,00,000 रुपए में वापस खरीद लिया। अफसोस की बात यह है कि वह फिर से फेल हो गए क्योंकि उन्होंने फिर से निराश होकर 20 मैचों में 105 से नीचे के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 151 रन बनाए। नंबर 3, कुलदीप यादव, कोलकाता नाइट राइडर्स। भारत के अब तक के सबसे सफल चाइनामैन कुलदीप यादव एक रेयर टैलेंट है। शुरुआत में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2012 की आईपीएल नीलामी में 10,00,000 रुपए में खरीदा था, लेकिन उन्हें एक भी गेम खेलने को नहीं मिला और 2014 की नीलामी में उन्हें 40,00,000 रुपए में KKR में ट्रांसफर कर दिया गया। अंत में उन्हें 2016 में गेम खेलने को मिला जहां उन्होंने निराश नहीं किया। उन्होंने 3 मैचों में 6 विकेट लिए। KKR को प्रूवन यंग टैलेंट में इन्वेस्ट करने के लिए जाना जाता है और इस मामले में भी ऐसा किया। अपने अच्छे आईपीएल 2017 सीजन के बाद उन्होंने 12 मैचों में 12 विकेट लिए और उन्हें भारत का कॉल अप मिला। कुलदीप ने ओनर्स को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने उन्हें एक आरटीएम कार्ड यूज करके खरीदा। KKR ने उन्हें 5.8 करोड़ रुपए में खरीदा। KKR उस साल तीसरे नंबर पर रहा और उस साल कुलदीप यादव ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 16 मैच में 17 विकेट लिए। आईपीएल 2019 में कुछ खराब मैचों के बाद KKR ने उन पर विश्वास दिखाना बंद कर दिया, जिससे उनके कॉन्फिडेंस पर भारी असर पड़ा और यह सिलसिला आईपीएल 2020 में भी जारी रहा। उन्होंने 14 मैच खेले और 8 रन प्रति ओवर से केवल 5 विकेट लिए। उन्हें टर्निंग पिचों पर भी नहीं चुना गया था। सबसे हालिया एग्जांपल चेन्नई लेग का है, जहां KKR ने 5 मैच खेले और उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया। यह देखना बेहद ही डिसअपॉइंटिंग है, जिसका असर उनके इंटरनेशनल करियर पर भी पड़ा। कुलदीप को आईपीएल में और मौके दिए जाने चाहिए, चाहे वह KKR के लिए खेले या नहीं। नंबर 4, मार्कस स्टोनिस, किंग्स इलेवन पंजाब। हालांकि मार्कस स्टोनिस करेंटली इस लिस्ट में आने वाले बेस्ट ऑलराउंडरों में से एक हैं। उन्हें 2016 की आईपीएल नीलामी में किंग्स इलेवन पंजाब द्वारा 5,50,00,000 रुपए में खरीदा गया था। शुरुआती 2 साल उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज ही थे। वह 115 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से केवल 163 रन बनाने में सफल रहे और उनकी गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 12 मैचों में 9 के इकोनॉमी रेट से केवल 10 विकेट लिए।
डेकन किंग्स इलेवन पंजाब ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर में विश्वास दिखाया और उनके लिए एक आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया और पंजाब ने उन्हें 6,20,00,000 रुपए में वापस खरीद लिया। सैडली स्टोनिस एक बार फिर से फेल रहे, उनका सीजन बेहद ही खराब रहा क्योंकि उन्होंने 99 रन बनाए और 7 मैच में 2 विकेट लिए। अंत में किंग्स इलेवन पंजाब ने उन्हें आईपीएल 2020 में रिलीज करने का फैसला किया और अब वह दिल्ली कैपिटल टीम में प्रमुख मेंबरों में से एक हैं। किंग्स इलेवन पंजाब का गलत रिटेंशन और राइट टू मैच कॉल्स आईपीएल में लगातार उनकी जीत में कमी का एक प्रमुख कारण रहा है। नंबर 1 रोबिन उथप्पा कोलकाता नाइट राइडर्स। गौतम गंभीर के आईपीएल 2017 के बाद बाहर होने के बाद केकेआर की कप्तानी के लिए रोबिन उथप्पा सबसे आगे चल रहे थे। आईपीएल के इतिहास में एकमात्र ऑरेंज कैप विजेता जिसने एक ही वर्ष में आईपीएल जीता है। रोबिन उथप्पा सबसे ऑब्वियस आईटीएम चॉइस थे क्योंकि वह लगातार प्रत्येक सीजन में करीब 400 रन बना रहे थे। हालांकि चीजें तेजी से उनके खिलाफ हो गई। केकेआर ने दिनेश कार्तिक को स्क्वाड में शामिल किया जिन्हें कप्तानी के साथ साथ कीपिंग ग्लव भी सौंप दिए गए और रोबिन उथप्पा को नंबर 3 पर ले जाया गया क्योंकि लिन और नारायण ओपनिंग कर रहे थे। इन सभी फैक्टर की वजह से उन्होंने 2018 आईपीएल में 22 से कम के औसत और 132 के स्ट्राइक रेट से 351 रन बनाए। आईपीएल 2019 एक ऐसा सीजन था जिसे उथप्पा अपनी यादों से मिटाना चाहेंगे क्योंकि उस सीजन उन्होंने 115 के स्ट्राइक रेट से 282 रन बनाए थे। ये आंकड़े टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक के लिए पर्याप्त नहीं है और इसीलिए उन्हें अंततः केकेआर ने आईपीएल 2019 के बाद जाने दिया। तो ये थे 5 वर्स्ट राइट टू मैच कार्ड्स यूज्ड इन आईपीएल हिस्ट्री। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।